पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू पप्पू यादव, देखिए ये ये गिरफ्तारी, जी जी ये गिरफ्तारी तो गिरफ्तारी देखिए जो एक गिरफ्तारी है ये तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुई है। सीबीआई क्यों कस्टडी कोर्ट ने दी है, जिरह के बाद दी है, लेकिन इमरजेंसी है, तानाशाही है, जो इमरजेंसी की बात करी जाता है उसको कहा जाता है कि रंग में भंग है। एक बात मतलब तो ओरिजिनल इमरजेंसी लगी 1975 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी को लगाई, कांग्रेस के शासन ने इमरजेंसी लगाई। भैया मेरी बोलिए पप्पू जी, मैं एक बात तो समझिए, 50 साल के बाद हम आ गए हैं अर्ध युग में, हम आ गए हैं एजुकेशन के युग में, भौतिक युग में हम आ गए हैं, सोशल मीडिया क्रांति के युग में हम आ गए हैं, दुनिया में हमारी इकोनॉमी, जैसे इन्होंने कहा कि 5% महंगाई, 160 रुपया दाल, और तो आपको लगता है कि इतिहास की बात ही नहीं होनी चाहिए, इमरजेंसी की बात नहीं होनी चाहिए? बात तो सुनिए, ये तो सुनीता केजरीवाल खुद इमरजेंसी की बात कर रही हैं, अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, ये तो अभी की बात बता रहा हूं मैं, मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी को निश्चित रूप से उठाने का अपना राइट है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात को बहुत ही गंभीरता से रखती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कांग्रेस को जब क्षमा मांगना था तो उन्होंने मांगा। राहुल गांधी जी जिस समय के नेता हैं, उन्होंने बहुत तरीके से कई मुद्दों पर पहले भी गलती स्वीकार की है और भूल को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। एक बात को समझिए, बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस की विचारधारा कभी नहीं मिलती थी, लेकिन राहुल गांधी जब आए और उद्धव जी आए, दोनों जब न्यू ह्यूमनिज्म, न्यू एक एक जो ह्यूमैनिटी की बात इस देश में जो उसको कहा जाए कि जो सनातनी हिंदू सभ्यता, पप्पू यादव जी आप पुराने नेता हैं, ये ना ह्यूमैनिटी की बात थी, ये सीधी पॉलिटिकल की बात, पॉलिटिकल बात थी, ये प्योर मजबूरी थी, ये प्योर मजबूरी थी, किसी के नंबर एक, किसी के नंबर पूरे नहीं हो रहे थे महाराष्ट्र के अंदर, उस मजबूरी की वजह से साथ में आए। सर कोई कोई नहीं 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 कोई मजबूरी नहीं थी उद्धव ठाकरे जी के लिए, कोई मजबूरी नहीं। आप क्या बात करते हैं, मजबूरी नहीं थी, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस साथ में आए, ये मजबूरी नहीं थी क्या? जिस कांग्रेस को पानी पी पी कर अरविंद केजरीवाल ने बुरा भला कहते थे, और शीला दीक्षित के बारे में क्या कुछ नहीं बोला, क्या वो मजबूरी नहीं थी? और मजबूरी का नाम, और वो जो मजबूरी थी वो नरेंद्र मोदी था, मोदी के सामने को हराने के लिए सबको, मेरी बात सुनिए ना सर, कांग्रेस के साथ बीजेपी नहीं थी क्या? बीजेपी के सपोर्ट से कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार नहीं बनी थी क्या? कोई एक बात देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है सुधांशु जी, मैं क्या कह रहा हूँ इसको समझिए, नहीं आप जोड़िए ना, आप पूछिए तो भैया, लेकिन इसी बीच आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक बड़ा बयान दे दिया है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो कि कल की पीठाधीश्वरों ने बोला है राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है, 15 साल में इन्होंने कांग्रेस को निपटा दिया है और विपक्ष को 15 महीने में निपटाएंगे राहुल गांधी, ये बड़ी स्टेटमेंट है। सीधा सुधांशु त्रिवेदी में आपका रुख करता हूं, पप्पू यादव कहते हैं ये न्यू ह्यूमनिज्म है, ये न्यू ह्यूमैनिटी का एंगल है जिसके अंदर सब साथ आए हैं, सब साथ साथ हैं, एक जो फिल्म थी वो दिखाई दे रही है वो न्यू ह्यूमैनिटी है, राहुल जी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये सब न्यू ह्यूमैनिटी के लिए साथ में आए हैं, न्यू गो प्रोसेस भी है, मतलब जो पप्पू यादव पप्पू भाई जो आपने बोला शब्दशः वही सवाल लेके गया हूं डॉक्टर त्रिवेदी के पास, मैंने कुछ अपना नहीं डाला इसमें, ऐड नहीं करा, इकोनॉमिकल थॉट भी है। पप्पू जी आपने कहा कि 50 साल पुरानी बात को याद रखने की क्यों जरूरत है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी जेल में थे, किसमें, मीसा में, MISA मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, तो अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था कि मुझे जिंदगी भर याद रहे कि इस कांग्रेस ने किस तरीके से अन्यायपूर्ण तरीके से मुझे जेल में रखा था, तो काहे बेटी का नाम रखा था, बदल दें, तो 50 साल हो गए ना, बदल दें, तो संकल्प खत्म हो गया क्या? नहीं सर, क्या है? ये मजबूरी का अलायंस है, ये तब है, ये सारे लोगों की एक सी समस्याएं हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अच्छा सर 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 संबित भाई, संबित भाई 30 सेकंड संबित नहीं सुधांशु त्रिवेदी, आपको संबित पात्र बड़े याद हो गए लगता है, आपके बगल में बैठते हैं लोकसभा में, सुधांशु भाई को, पप्पू यादव नहीं नहीं सुधांशु भाई को, सुधांशु भाई को पूछिए कि नीतीश कुमार जी को कितना गाली दिए और कितना इन लोगों ने एक दूसरे को धरती पर मिटा देंगे, मर जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे,
नीतीश कुमार ने महिलाओं का अपमान किया, देश के प्रधानमंत्री ने कहा नीतीश कुमार भसिया गए हैं, उनका ब्रेन खत्म हो गया है, नीतीश कुमार जी हो या आपने चिराग पासवान को घर से निकाल दी, उसके दल को तोड़ा, उसके परिवार को तोड़ा, आपने, आप इसको समझिए सर, मेरा समय यहाँ पर भी सुनिए, समय यहाँ समाप्त हो रहा है, समय यहाँ समाप्त हो रहा है, आप हमारे साथ, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन लगातार बड़ी खबर पे हम बने हुए हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी के साथ मैं वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं व्यूअर्स, देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार।